मैं आपको दिखाने लगा हूँ, एक तो बंद दिखाने लगा हूँ। इस साइड पे आप देख सकते हैं जो पुराने देहातों में तालाब छोटे छोटे बनाए जाते थे हाथों की मदद से या किसी भी मदद से, जो है वो दिखाऊंगा। और उसके बाद जो है उस साइड पे आपको बोर्ड नज़र आ रही है मेरे पीछे, वो आपको मैं चेक करवाऊंगा। और अभी देखें ये भैंसें जो हैं यहाँ पर जो है पानी पी रही हैं माशाल्लाह। ये चेक करें आप, तालाब छोटे छोटे बनाए जाते थे गाँव के साथ, और एक बोर्ड जो है वहाँ पर लगाई जाती थी बोर्ड का दरख्त। आप ये चेक करें साइड पे माशाल्लाह। इस बोर्ड के बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक तो ये है कि ये साया इसका बहुत अच्छा होता है। ये चेक करें माशाल्लाह, ये है जी सारी बोर्ड। बहुत बड़ा दरख्त था, ये टूट गए हैं इसके टान वगैरह, जो इसकी टहनियाँ वगैरह बड़े बड़े टान जो होते हैं वो टूट गए हैं, और अभी ये छोटे छोटे रह गए हैं इसके। ये चेक करें आप माशाल्लाह, ये हमारे गांव की जो बड़ी रौनक है इस बोर्ड की वजह से, बड़ी खूबसूरती है। गोया के रोड से थोड़ा सा हट के ये बन के ऊपर लगी हुई है। ये आप चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह। देख सकते हैं इस साइड पे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी कितनी खूबसूरती है इस बोर्ड की। ये यहाँ तक इसका जो है ना 50-60 फुट तक इसका साया साइडों पे होता है। ये आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके ऊपर एक फल भी लगता है, पता नहीं खाने वाला होता है या नहीं होता है। इसके ऊपर हर किस्म का जो है चरिंद परिंद इसके ऊपर आकर बैठते हैं, और इसका जो है फल उसको खाते भी हैं। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। बोर्ड है और इस मेरे पीछे जो है एक बन भी बनी हुई है, जहाँ से लोग अपने माल मवेशियों को जो है पानी पिलाते हैं, और उसके बाद जब इधर माल मवेशी छोड़ते थे और फिर साए के नीचे जब वो बैठते थे तो यहाँ पर गप्पे लगाते थे और कहानियाँ किस्से होते थे बोड़ी के नीचे। अभी एक बंदा पीछे मेरे खड़ा है जो आगे अपने घर बनाए हुए हैं, वहाँ से ये चल कर आ रहे हैं और अभी यहाँ पर खड़े हैं। मैं पूछता हूँ अस्सलाम वालेकुम जी, भाईजान कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है। भाईजान आप किधर जा रहे हैं और किधर से आ रहे हैं? मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक अल्लाह का करम, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं आया हूँ तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल चल कर। अच्छा पीछे इधर? हाँ पीछे जी जी। तो रास्ते में धूप भी थी तो फिर मैं कहीं ब्रेक नहीं की कि वहाँ पे जो हमारे अबाउ अजदाद हैं पुराने लोग थे वो सारे इस जगह पे, एक पानी वाली ये दूसरा बन है और अच्छा। बोर्ड है। अच्छा इधर आप बैठते हैं आकर? हाँ इधर आकर हम रेस्ट करते हैं। रस्ते में और दरख्त थे ना? रस्ते में हाँ बहुत थे लेकिन वो लोकल हैं, ये बहुत पुराने हैं। अच्छा। और बहुत अच्छे हैं, इनकी ठंडी छाँव है। थोड़ी रेस्ट करते हैं, आधा घंटा या पौना घंटा रेस्ट करते हैं। और अबाउ अजदाद भी यहाँ पर बैठते? हाँ बिल्कुल बैठते थे। अच्छा वो दौर जो था बहुत अच्छा था? वो बहुत अच्छा था। और इसकी जो
आप खुद देख लें कि कितना ठंडा सा आया है, हाय हाय मजा आ जाता है। तो इसलिए हम इधर आते हैं और लोग भी बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा, हम इधर बैठते हैं। अभी किधर जा रहे हैं आप? अभी हम जा रहे हैं रावलपिंडी। अच्छा, आते जाते हम इधर रेस्ट करते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह, अच्छा लगता है। जी जी, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश होती है आते जाते हम यहाँ पे रेस्ट करें, यहाँ पर रेस्ट करें। देखिए जी व्यूअर्स, ये भाई साहब अभी रावलपिंडी जा रहे हैं और पीछे 2-3 किलोमीटर चल कर यहाँ पर आए हैं। और इन्होंने रस्ते में भी काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं, बेरी, कीकर, वो भी नेचुरली तौर पर अच्छे दरख्त हैं, लेकिन बोड़ का जो है अपना एक मियार है और एक इसकी पहचान है बोड़ की। तो यहाँ पर जो है लोग आकर अभी भी बैठते हैं, गोया के इसको जो है ना अभी उस नज़र से, निगाह से नहीं देखा जाता जैसे इसकी पहले कदर होती थी, कीमत होती थी। वक्त यहाँ पर बहुत कम दरख्त होते थे, दरख्त होते थे लेकिन इसका जो है एक अपना एक मज़ा है यहाँ पर बैठने का।